नाम खालिद खान है जी, और ये मेरा शो जो है आर्ट सीन में शुरू हुआ है आज, और ये तकरीबन एक हफ्ता चलेगा, 10 दिसंबर तक ये शो चलेगा। इसका उन्वान जो है वो ट्रिब्यूट है, और ट्रिब्यूट जो है ये इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। इसमें एक ये शहर को ट्रिब्यूट है जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं बड़ा हुआ, जहाँ मेरा टाइम है, एक यादें मेरी, और दूसरा मेरे वालदैन को जो अब इस दुनिया में नहीं है, और ये इनके इंतकाल के बाद ये पहला शो है जिसमें वो नहीं होंगे। और इसमें मैंने उस तरह की चीज़ें पेंट करने की कोशिश की हैं, जैसे कि जो मेरा अपना एक कनेक्शन जिसके साथ है, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 30 साल से मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ, और जब पाकिस्तान आता हूँ या कराची स्पेशली आता हूँ, तो वो एक साथ लगता है जैसे कि आप कोई टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। कराची बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन ये कि मेरी गली कुचों में एक तरह की एक मुझे अपने माजी में ले जाता है। तो मैंने इसके हवाले से इसी चीज़ को पेंट करने की कोशिश की, जो चीज़ें उस वक्त थी, जो बहुत चीज़ें बहुत नायाब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, उसको पेंट करने की कोशिश की है। और अब बस यही है कि आप लोग आएँ और देखें और बताएं मुझे कि मैं कहाँ तक इसमें कामयाब हुआ हूँ। ठीक है, जी मैं क्या कहूँ खालिद साहब के काम के बारे में। खालिद साहब का काम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और खालिद साहब के ये थर्ड सोलो शो है जो पाकिस्तान में हो रहा है। पहले दो शो जो है इन्होंने एजाज आर्ट गैली में मेरे साथ किए हैं, और ये भाई है एजाज अमजद, इनके साथ ये प्लान किया शो का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम है। और अभी हम ये बात कर रहे थे कि इनका माशाल्लाह जो हर पेंटिंग को लेके जो इनकी ट्रीटमेंट है, जो उनका स्टाइल है, वो हर एक पेंटिंग में नज़र आता है, लेकिन सब्जेक्ट इनके इतने वेरी कर रहे हैं, और हर एक को इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से पेंट किया है, और मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत मुझे पसंद है इनका काम। थैंक यू सो मच।